हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पुष्पा का फिल्म देख लिया है, ऑलरेडी देख लिया हिंदी भाषा में भी। अभी गोल्ड माइंस में पुष्पा द राइज हिंदी ऑफिशियल ट्रेलर 2 आया है। अरे यार, मूवी आने से पहले कम से कम 2 सेकंड वाला ट्रेलर रिलीज कर देता, अभी तो मूवी भी देख लिया। चलिए फिर भी इस ट्रेलर को एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, हिंदी बेल्ट में ऑडियंस को और पुश करने के लिए ट्रेलर 2 आया है। लेकिन चलिए पहले ट्रेलर 2 देख लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पुष्पा को हिंदी बेल्ट में थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। बिना प्रमोशन का ही हम लोग गए थे, हाउसफुल था एकदम। वी रियली एंजॉय इट। एंड फ्रेंड्स, पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर ट्रेलर देखते हैं, देखते देखते बात करेंगे। बहुत एंजॉय किया यार, बहुत मतलब मजा आ गया मूवी देख के। मास्टर पीस पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था, लेकिन पुष्पा फायर है। This is one of the best fight scene in the movie. Oi. तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच रहा हूँ। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल भाई क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। ये वाला सीन एकदम देखकर मजा आ गया। खटारा लॉरी को इतने बड़े में देख के ना कावरा बावरा हो रहा है। अच्छा, हंसने के लिए 1000 रुपया। अरे माल तो मेरे से प्यार करती है। साड़ी पहन कर गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना। जॉली भाई को इतना पीटा है यहाँ पे। अगर मुझ में जरा सी भी सांसें बच गई ना तो पाताल में भी थोड़ा थोड़ा के मारूंगा। दिल तो ओपनिंग है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने आया। राज अरे यहाँ पे जो स्लो मोशन सीन है ना, बस कमाल का है, कमाल। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर नहीं, फायर है मैं। ये डायलॉग फिल्म में 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक लास्ट में है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सामने कोई भी हो, हॉस्पिटल वाला सीन है। मतलब इसको फिर से घर में आके देख के मजा आ गया। हॉल में तो इतना एंजॉय किया इसको, क्या कहे। मतलब बहुत दिन बाद एक मूवी को इतना एंजॉय किया है यार। मतलब एक एक सीन, हर सीन में ताली सीटी, मतलब मजा आ गया यार ऐसा मूवी देख के। और एक्शन ऑन ए डिफरेंट लेवल। मालूम नहीं कुछ सोशल मीडिया में पुष्पा के बारे में कुछ कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, लेकिन ये सबको साइड में रखो यार एंड हॉल में जाके बस एंजॉय करो। मतलब दिस इज रियली ग्रेट मूवी एंड ग्रेट एक्शन एंड कुछ डिफरेंट है। आलू अर्जुन का, मतलब आलू अर्जुन कमाल का एक्टिंग किया है। मतलब आलू अर्जुन बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है एंड साथ में रश्मिका भी। मतलब रश्मिका तो कुछ कुछ सीन में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड स्पेशली वो गाना समंता का, वो गाना वो तो मतलब जो अभी तक रिलीज नहीं किया है नेट पे यूट्यूब पे, लेकिन वो गाना बस बहुत बढ़िया है यार। बोलो बोलो, फिल्म में उस गाने का बहुत इंतजार है। मेरे पास उस गाने की फुल वीडियो है पर मैं वो दे नहीं सकती। लेकिन यार वी रियली एंजॉयड द मूवी एंड हो सकता है कि स्टोरी में कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ यूनिक कुछ लोग ढूंढते होंगे हमेशा, और जो ज़्यादा क्रिटिक्स करना पसंद करते हैं उनके लिए स्टोरी में कुछ खामियां हो सकती है। लेकिन इसमें ये फिल्म आपको
एक सेम स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि इसमें एक बहुत बेहतरीन डायरेक्शन है और उस परफेक्ट डायरेक्शन के साथ मैच करता हुआ परफेक्ट एक्टिंग हर किसी का, सिर्फ अल्लू अर्जुन का ही नहीं, उनके उनके या फिर उनके साथ जो भी है, वो कोंडा है, सिंगी है, जो भी है, सबकी एक्टिंग जबरदस्त है। फहद फसील का और उनका क्या कनेक्शन है वो तो हम नहीं कहेंगे, और कुछ दिखाएगा जरूर उसके, तो सस्पेंस रखा है। वैसे एक बात मैं रिवील कर सकती हूँ कि रश्मिका का यहाँ पे जो मेजर रोल है वो क्या है, मतलब पुष्पा जिनके तरफ काम करता था, रश्मिका के लिए वो उनके दुश्मन बनते बनते बन गए। तो ओवरऑल गाइस मैं जो ये कहना चाहती हूँ वो ये है कि एक खराब प्रोडक्ट को भी ना आप बहुत अच्छे मार्केटिंग से बेच सकते हैं, पर ये ऐसा है कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे मार्केटिंग की थोड़ी कमी है। हिंदी में मार्केटिंग मेरे ख्याल से ये ऑल ओवर इंडिया में अच्छे से मार्केटिंग नहीं करी गई है। अभी ट्रेलर 2 रिलीज करके अभी पुश करेंगे तो क्या फायदा, यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पे हॉल्स में बहुत ज्यादा शोज भी नहीं चल रही, मतलब आपको शो के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना है, लेकिन जितना चल रहा है हाउसफुल चल रहा है, बस इतना समझो, अगर शो बढ़ जाता है इसका तो क्या होता है। और कह सकते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी बहुत है, अच्छा, बहुत एंटरटेनिंग है, 3 घंटा आप आराम से फिल्म बैठकर देख सकते हैं, 1 मिनट भी बोरिंग नहीं है यार। कुछ कुछ जगह पर मैंने ये रिव्यू देखा है कि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी स्लो है, स्लोनेस अगर किसी को कहीं फील भी होती है तो इस स्लोनेस को पुश करने के लिए ही फहद फसील की एंट्री है, और फिर क्या है वो तो इसके साथ साथ पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पुष्पा नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ऐसा मास्टरपीस को सिनेमा में देखना मिस नहीं करना चाहिए, खासकर वो खटारा लॉरी कैसे उड़ रही है वो आपको देखने के लिए हॉल जाना ही चाहिए। एंड आलू अर्जुन डांस रियली वेल, मतलब उनका ऐसे बहुत बढ़िया डांसर है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का डांसिंग स्टाइल है, यहाँ का डांसर अच्छा लग रहा है, यहाँ के डांसर के साथ पिछले वाले आलू अर्जुन के डांसर का कोई पूरा अलग है 180 डिग्री, लेकिन ये अच्छा लग रहा है एंड बहुत बढ़िया है। तो okay guys, चलते चलते एक बात कह के जाना चाहूंगी कि पुष्पा द राइस को हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, राइस के बाद पुष्पा का जो लुक है, मुझे पर्सनली राइस से पहले उनका जो लुंगी वाला लुक था वो अच्छा, मुझे ज्यादा पसंद आया। तो गाइस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।